बॉलीवुड के डांस आइकॉन और ग्रीक गॉड नाम से मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपने करियर में वैसे तो बहुत सी फिल्में दी है, पर उनमें से क्रिश सीरीज इनके करियर की सबसे सफलतम लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है। सुपर हीरो पर आधारित इनकी इस फ्रेंचाइजी के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। तीनों ही पार्ट को दर्शकों ने खूब प्यार देकर सुपरहिट बनाया। इस सीरीज की फिल्म क्रिश 3 आखिरी बार 2013 में आई थी, जिसके बाद क्रिश 4 की मांग लोग जमकर करने लगे, पर अब तक इस पर ऋतिक रोशन और फिल्म के निर्माता ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आपका इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि खबरों की माने तो क्रिश फ्रेंचाइजी के निर्माता अब जल्द ही क्रिश 4 लाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिश 4 के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन होगी स्टार कास्ट, क्या होगी फिल्म की कहानी और कब तक आएगी। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही सुपरहिट क्रिश सीरीज के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। क्रिश फ्रेंचाइजी ऋतिक रोशन के करियर का अहम पार्ट मानी जाती है, जिसकी पहली फिल्म कोई मिल गया 2003 में आई थी, जिसमें ये रोहन के मेन लीड में थे। इनके साथ थी माँ बनी रेखा, प्रेमिका बनी थी प्रीति जिंटा और विलेन बने थे राकेश रोशन और विलेन बने थे नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म की यही कहानी दर्शकों को बड़ा पसंद आई, फिल्म सुपरहिट हो गई और इस फिल्म ने करीब 108 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद 2006 में क्रिश फिल्म आई, जिसमें भी ऋतिक रोशन मेन लीड में थे और इस बार वो रोहन के बेटे कृष्णा बने थे, जिनके साथ प्रियंका चोपड़ा थी और विलेन थे नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया, इसके चलते फिल्म ने 126 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट हो गई। इस सीरीज की दो फिल्मों के बाद 2016 में क्रिश 3 फिल्म आई, जिसमें ऋतिक और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थे। इस बार विलेन थे विवेक ओबेरॉय और कंगना रनौत। हर बार की तरह इस फिल्म को भी खूब प्यार मिला। फिल्म ने 393 करोड़ की सुपरहिट कमाई कर ली। क्रिश 3 के बाद दर्शक क्रिश 4 की मांग करने लगे। खबरों की माने तो इस बढ़ती मांग के अनुसार फिल्म के निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन जल्द ही क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद पिछले साल ऋतिक के जन्मदिन पर की थी। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काफी पहले ही काम शुरू हो चुका है, अब इसकी स्क्रिप्ट फाइनल स्टेज में है। यही नहीं, राकेश रोशन अब इस फिल्म क्रिश 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े लेवल पर फिल्माने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिश 4 के कुछ एक्शन सीन्स फिर से लिखे गए हैं और इनका लेवल ऋतिक की फिल्म वॉर के बराबर ले जाने का फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि सीनियर रोशन ने अपनी इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए करीब रखा है और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रही है। वहीं बात करें स्टारकास्ट की, तो खबरें आ रही है मेन लीड में ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ के रूप में प्रियंका चोपड़ा ही दिखाई देंगी। वहीं बात करें फिल्म के विलेन की, तो इस बार विलेन के रूप में आज के जमाने के बॉलीवुड के फेमस विलेन सोनू सूद का नाम सजेस्ट हुआ है और उनका साथ देने और क्रिश को हराने के लिए एक और विलेन के रूप में हमें जैकलिन फर्नांडिस दिखाई देगी। पर अभी इनमें से किसी ने भी फिल्म में काम करने के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया है। फिलहाल तो स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, स्टारकास्ट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो दर्शकों को क्रिश 4 की अनाउंसमेंट के बाद काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, पर दोस्तों लगता है अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्रिश 4 बाकी पार्ट की तरह तहलका मचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।